अब समाचार विस्तार से। मुंबई के आईसीआईसीआई बैंक में 27-28 अक्टूबर की रात बैंक के गार्ड को बंधक बनाकर गैस कटर व अन्य साधनों का प्रयोग करके बैंक के स्ट्रांग रूम व लॉकर को काटकर सनसनीखेज डकैती करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को यूपीएसटीएफ की टीम ने गोरखपुर के कैंट क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मुन्नू कुमार पुत्र स्वर्गीय मदन प्रसाद निवासी हरपुरवा पोस्ट बगही पुराना थाना योगापट्टी जिला पश्चिमी चंपारण बिहार, रवि कुमार गुप्ता उर्फ प्रेम पुत्र ललन प्रसाद तथा संदीप कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम हरपुरवा पोस्ट नगर पुरैना थाना योगापट्टी जिला पश्चिमी चंपारण बिहार शामिल है। इनके पास से पुलिस ने 3 सेट मोबाइल फोन तथा 2200 रुपये नगद, 3 रेलवे के टिकट तथा 1 लाल रंग के बैग तथा घटना में प्रयुक्त कपड़े व टोपी बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर आईसीआईसीआई बैंक के सेंट्रल मुंबई में घुसकर गार्ड को बंधक बनाकर बैंक में गैस कटर से स्ट्रांग रूम को काटने का प्रयास किया था, जिसमें सफलता नहीं होने मिली। वहां रखे लैपटॉप व मोबाइल फोन व अन्य सामान उठा लाए थे। रास्ते में पता चला कि मुंबई पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पकड़े जाने के भय से अपने एक परिचित के माध्यम से गोरखपुर में ही छिपाने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया।